हेलो दोस्तों, यू आर क्यूरियस में आप सबका स्वागत है। जब आप छोटे थे तब आपने देखा होगा कि लगभग सभी के घर में एक मिट्टी का मटका होता था, और जब गर्मी का मौसम आता था तब ठंडे पानी के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोग ठंडे पानी के लिए मटके की जगह रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करने लगे, और आजकल बहुत कम लोग ही मटके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें से किसका पानी आपके लिए बेहतर है, मटके का या फिर रेफ्रिजरेटर का? रेफ्रिजरेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और इसका पानी बहुत ही ठंडा होता है, और जब आप बहुत ही ठंडा पानी पीते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं होता। इससे सोर थ्रोट, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जब आप बहुत ही ठंडा पानी पीते हैं तब आपका बॉडी इस पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देता है। वहीं अदन पॉट यानी मटका मिट्टी से बना होता है और इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये पानी को नेचुरली कूल करता है जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसलिए ये हमारे थ्रोट को हार्म नहीं करता। इसके अल्कलाइन नेचर की वजह से पानी का पीएच लेवल भी मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से इसका पानी एसिडिक और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करता है। मटका मिट्टी से बना होता है इसलिए इसमें मिनरल्स होते हैं, और जब आप इसमें पानी रखते हैं तब मटके में मौजूद मिनरल्स पानी में मिल जाते हैं और आपको मिनरलाइज्ड वाटर मिलता है, जिसकी वजह से इसका पानी आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, और ये गर्मी के मौसम में सनस्ट्रोक्स को भी प्रिवेंट करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।